Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new topic of inorganic chemistry, that is chemical properties of alkali metals. In this chemical properties, today we are going to discuss some new cases. In previous lecture, we had already discussed three properties. Now remaining three properties discuss today. तो आज के लेक्चर में हम अल्कली मेटल्स में जो तीन प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन की तरफ अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल टुवर्ड हाइड्रोजन, इन विच एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट अल्कली मेटल्स आर डायरेक्टली रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन. अल्कली मेटल्स आर डायरेक्टली रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म वॉट, मेटल हाइड्राइड. तो यहां पर आप देख सकते हो, ये ले रहा हूं मैं अल्कली मेटल, ओके, रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन H2, तो ये क्या देगा, मेटल हाइड्राइड, दैट मींस MH. तो यहां ले रहा हूं मैं ट्वाइस ऑफ M, तो यहां पर प्लस, यहां ले रहा हूं हाइड्रोजन U ऑफ 10 MH मींस मेटल हाइड्राइड. तो ये मेटल हाइड्राइड यहां पर क्या करेगा, फॉर्म करेगा मेटल हाइड्राइड. ओके, इफ यू ऑब्जर्व दैट फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड टेक्स प्लेस, लेकिन अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन ये डाउन टू द ग्रुप क्या होनी चाहिए, देन यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस व्हाट्स हैपन डाउन टू ग्रुप व्हाट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल going on decreasing down to the group, इसकी reactivity decrease होती है. इसका मतलब I can write reactivity, lithium is greater than sodium, than potassium, rubidium, than cesium. तो reactivity इस तरह से decrease होती है down to the group. Okay, number B, अगर यहाँ पर बात होती है metal hydride के stability की, तो यू कैन ऑब्जर्व स्टेबिलिटी ऑफ MH, दैट मीन्स मेटल हाइड्राइड. तो स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप. ओके, तो आई कैन राइट स्टेबिलिटी वंस अगेन डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप. नाउ क्वेश्चन अराइजिंग, why this stability and reactivity decreases down to the group of alkali metal, because reason ek seedhi si baat hai yahan par, down to the group when we move from lithium to cesium, at that time what's happen, the size and electropositivity increase, ya size badhne ke wajah se reactivity ultimately kya ho jati hai, hydrogen ke sath decrease ho jati hai, aur yahan par stability bhi due to that what decrease, therefore I can write in this case LiH is a highly stable than NaH, KH, RbH and CsH. तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. लेकिन अगर आयोनिक कैरेक्टर की बात होती है, therefore I can write ionic character increase down to the group. अगर आप आते हो तो आयोनिक कैरेक्टर अल्टीमेटली क्या होंगे, वहां पर इंक्रीज होनी चाहिए मेटल हाइड्राइड की. तो आयोनिक कैरेक्टर का यहां पर सीक्वेंस होगा LiH, आई कैन राइट NaH, KH, ओके, RbH एंड CsH. इन दिस वे दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री प्रॉपर्टीज विच आर कंसर्न विथ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल विथ हाइड्रोजन. Now fourth point, we move towards that electrolysis. अगर मैं metal hydride का electrolysis करता हूँ, then you are well familiar, metal hydride है हमारे पास.
मेटल हाइड्राइड अगर हमारे पास है, इसका मतलब हमारे पास कैटायनिक फॉर्म में होगा मेटल और यहां पर होगा एच माइनस। इलेक्ट्रोलिसिस में यू आर वेल फैमिलियर, इन सिंगल कंटेनर सपोज दैट वन ऑफ द एनोड अनदर वन इज कैथोड और यहां पर मोल्टन सॉल्यूशन होगा। तो नेगेटिव स्पेसेस अट्रैक्टेड, यहां पर आपका ये होगा व्हाट, एनोड, एनोड आपका होगा पॉजिटिव और यहां पर कैथोड होगा नेगेटिव, ये होगा कैथोड, ये होगा एनोड। एनोड पॉजिटिव होने के रीजन से योर नेगेटिव स्पेसेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड एंड पॉजिटिव स्पेसेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन बिटवीन देम देयर विल बी अट्रैक्शन, देन पॉजिटिव स्पेसेस अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव स्पेसेस एच माइनस अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहां पर आई कैन से इन इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट्स हैपन, हाइड्रोजन लिबरेटेड इन इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट, हाइड्रोजन लिबरेटेड लिबरेटेड एट एनोड, हाइड्रोजन ये एनोड के पास ही क्या होता है यहां पर लिबरेट होता है। ओके, नाउ फिफ्थ वन, व्हेन मेटल हाइड्राइड रिएक्टिंग विथ वाटर, मेटल हाइड्राइड रिएक्टिंग विथ वाटर देन इट गिव्स व्हाट, MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये क्या देगा यहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहां पर लिबरेट हो जाएगा। तो यू कैन ऑब्जर्व इन रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट 5 points। एक और भी पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार मैं इसे विद इन 1 minute आई वॉन्ट टू रिवाइज दिस, प्रॉपर तरीके से याद रखना है। डाउन टू द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीज, जो मेटल हाइड्राइड फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी भी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती है। आयनिक कैरेक्टर लेकिन क्या होंगे वहां पर इंक्रीज, बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी व्हाट्स अपन इंक्रीज, और इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन इज नेगेटिव इन नेचर, दैट्स व्हाई इट लिबरेटेड और जनरेटेड एट द पॉजिटिव एनोड ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिसिस असेंबली। ओके, दिस इज अबाउट रिएक्टिविटी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस मेटल हाइड्राइड जो फॉर्म होता है, मेटल हाइड्राइड जो फॉर्म होता है वो मेटल हाइड्राइड किसके साथ जनरली रिएक्ट हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो मेटल हाइड्राइड जनरली रिएक्ट विथ दोज स्पेसेस विच आर हाइड्रोजन डोनर, वो कौन से होने चाहिए, हाइड्रोजन डोनर, मतलब जो स्पेसेस हाइड्रोजन डोनर एक्ट होता है उन्हीं के साथ इन जनरल मेटल हाइड्राइड क्या होगा रिएक्ट होगा टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूं वाटर मॉलिक्यूल, आई कैन राइट अमोनिया, आई कैन राइट अल्कोहल, मैं अल्कोहल भी रेफर कर सकता हूं, तो आई कैन राइट अल्काइन, मैं अल्काइन भी रेफर कर सकता हूं। तो यहां पर आप देख पाओगे किस तरह से ये यहां पर ये अलग अलग टाइप के रिएक्शंस रन होते हैं। मेटल हाइड्राइड दैट मीन्स MH, आई कैन राइट इन दिस केस MH, ये सीधा कोई मेटल ले लेते हैं, मैं ले रहा हूं NaH प्लस रिएक्टिंग विथ वाटर, वाटर के साथ सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट होने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। तो आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल ने एक हाइड्रोजन यहां पर क्या किया, डोनेट किया। ओके, तो ये बना यहां पर NaOH। नाउ सेकंड केस, वंस अगेन NaOH ले सकता हूं यहां पर, NaOH में आई कैन राइट अल्कोहल ROH, तो यहां पर भी ROH में हाइड्रोजन डोनेटेड, इट बिकम्स RONA प्लस हाइड्रोजन गेट लिबरेटेड। इन थर्ड केस KH, ओके, इन थर्ड केस KH आई कैन राइट अमोनिया, यहां पर हाइड्रोजन डोनर एक्ट होगा तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनना चाहिए यहां पर KNH2 अमाइड। ओके, और यहां पर लास्ट वन अगर मैं लेता हूं इन जनरल एन ए
प्लस लास्ट वन एच, ओके, या पोटेशियम ले लो यहां पर एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां ले रहा हूं एच, देयरफॉर टू पोटेशियम यू ऑफ 10 के सी ट्रिपल बॉन्ड सी के प्लस एच टू गेट लिबरेटेड। मतलब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हाइड्राइड टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन डोनर स्पेसेस, लाइकवाइज वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, अल्कोहल एंड अल्काइन। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स, दिस इज अबाउट रिएक्टिविटी। तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। आई होप यहां पर सारे कैरेक्टर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। बस यहां पर प्रॉपर तरीके से ट्रेंड को ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है। नाउ सेकंड वन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हैलोजन, सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल टुवर्ड्स हैलोजन्स। नाउ यू आर वेल फैमिलियर अबाउट हैलोजन। आपको हैलोजन तो प्रॉपर तरीके से पता ही है कि हमारे पास हैलोजन डिनोटेड बाय एक्स, तो हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अब हमें देखना है कि हैलोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी इन जनरल क्या होती है। तो पॉइंट नंबर ए में रेफर करता हूं, अल्कली मेटल्स आर ऑल्सो डायरेक्टली रिएक्टिंग विद हैलोजन टू फॉर्म मेटल हैलाइड, to form metal halide, that means I can write alkali metal M when reacting with halogen X2, okay, ये दो ले रहा हूं यहां पर, it form twice of MX, तो ये होगा metal halide, ये क्या होना चाहिए metal halide, it directly gives metal halide, मतलब halogen के साथ alkali metal directly react हो जाते हैं। तो मेटल हैलाइड फॉर्म करने के बाद तो आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पर हैलाइड मिलेंगे, जैसे लिथियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड, रुबिडियम हैलाइड और सीजियम हैलाइड। तो यहाँ पर लिथियम हैलाइड बस इस एक हैलाइड का बिहेवियर थोड़ा सा एनिमली शो करता है, मतलब वो एनिमलस बिहेवियर एग्जिबिट करता है जो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम हैलाइड में पॉइंट नंबर बी, ओके, पॉइंट नंबर ए में क्लियर हो चुका है कि ये मेटल हैलाइड आपको देगा, लगभग पांच से पांच टाइप के मेटल हैलाइड आपको फॉर्म करेगा वहां पर। तो रिएक्टिविटी की बात होती है तो आई कैन राइट रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल टुवर्ड्स, अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हैलोजन इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। क्या होगा ये, टुवर्ड्स हैलोजन इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। अगर आप टॉप टू बॉटम मूव होंगे अल्कली मेटल में तो यू आर वेल फैमिलियर, साइज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड ड्यू टू द साइज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज, तो हैलोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। देयरफॉर आई कैन राइट इन दिस केस व्हाट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, एंड सीजियम, दिस इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ये होगी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन ऑफ अल्कली मेटल, ओके। नाउ नंबर सी, अब मैंने ये तो देखा कि अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी हैलोजन के साथ कंटिन्यूअसली क्या होती है, इंक्रीज, बट रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विथ अल्कली मेटल, विथ अल्कली मेटल्स गोइंग ऑन डिक्रीजिंग डाउन टू द ग्रुप, गोइंग ऑन डिक्रीजिंग डाउन टू द ग्रुप। ये प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करना, यहां पर जो मैं चीजें बता रहा हूं तो क्लियर हो रही है कि एक्चुअली यहां पर डाउन टू द ग्रुप, अगर मेटल हैलोजन की तरफ रिएक्टिविटी शो करेंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आप लेते हो हैलोजन तो हैलोजन की रिएक्टिविटी साइज बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देयरफॉर इन केस ऑफ हैलोजन आई कैन राइट रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन व्हाट,
डिक्रीज एफ टू इज अ ग्रेटर देन सी एल टू बी आर टू एंड आई टू बी आर टू एंड आई टू यहां रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो यहां रिएक्टिविटी क्या हो रही है कंटिन्यूसली इसके डिक्रीज. ओके नाउ पॉइंट नंबर डी एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑल द मेटल हैलाइड ऑल मेटल हैलाइड आर आयोनिक इन नेचर. ये क्या होंगे सारे के सारे मेटल हैलाइड आयोनिक इन नेचर एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड इट इज कोवेलेंट. इट इज व्हाट कोवेलेंट इन नेचर. ये कोवेलेंट होने के रीजंस है ऑटोमेटिकली क्या होगा देखिए यहां पर सारे मेटल हैलाइड आयनिक फॉर्म में है लेकिन यहां पर LIX ये कोवेलेंट नेचर शो करेगा इसीलिए ड्यू टू व्हिच इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका ऑटोमेटिकली क्या होगा वहां पर लो होगा. ओके तो अगर मैं LIX ले रहा हूं तो LIX में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा लेकिन बाकी के बचे हुए मेटल हैलाइड ओके इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये होंगे हाई. ये क्या होने चाहिए यहां पर हाई. तो इस तरह से मेटल हैलाइड में आपने चार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर देखी है. तो पहले मैं क्या बताया मैंने कि मेटल हैलाइड जब मेटल हैलोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट होगा तो मेटल हैलाइड फॉर्म करेगा. अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी हैलोजन की तरफ कंटिन्यूअसली क्या होगी इंक्रीज. तो हैलोजन की रिएक्टिविटी अल्कली मेटल के टुवर्ड्स क्या होगी कंटिन्यूअसली डिक्रीज. और सारे अल्कली मेटल्स ये आयोनिक फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट सिंगल अल्कली मेटल हैलाइड दैट इज लिथियम मेटल हैलाइड और उसी के वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाता है लूज हो जाता है मतलब कम हो जाता है. ओके नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन दिस मेटल हैलाइड. ओके अब ये प्रॉपर्टी मुझे देखनी है प्रॉपर जो तीन अल्कली मेटल्स हैं उनके बारे में जैसे कि आई कैन राइट ई पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम शो स्पेशल प्रॉपर्टी. ये तीनों एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं टू फॉर्म पॉली मेटल हैलाइड. टू फॉर्म और पॉली मेटल हैलाइड. ये पॉली मेटल हैलाइड यहां पर क्या करता है फॉर्म करता है जैसे कि के आई प्लस आई कैन राइट आई टू इट गिव्स के आई थ्री. ये क्या फॉर्म करेगा यहां पर के आई थ्री. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ओनली फॉर्म बाय दिस थ्री मेटल्स. ये तीन मेटल्स ही ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं रिमेनिंग ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करते. एंड लास्ट वन ऑल मेटल हैलाइड ऑल मेटल हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन वॉटर. ये वॉटर में सोल्यूबल है एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी. ये एक लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया है. सारे के सारे मेटल हैलाइड वाटर में सोल्यूबल है एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड जो मेटल वाटर में सोल्यूबिलिटी बहुत कम दिखाता है दैट मीन्स इनसोल्यूबल इन नेचर. नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी वी मूव टू द नेक्स्ट वन नेचर ऑफ ऑक्सी सॉल्ट. बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ऑक्सी सॉल्ट यू शुड नो हाउ टू फॉर्म दिस ऑक्सी सॉल्ट. ऑक्सी सॉल्ट अगर फॉर्म करने हैं तो यहां पर आपको मेटल रिएक्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली किसके साथ ऑक्सी एसिड्स के साथ. तो हमारे पास ऑक्सी एसिड्स है H2CO3 आई कैन राइट HNO3 एंड नेक्स्ट वन H2SO4 और भी है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड HClO4 परक्लोरिक एसिड. लेकिन यहां पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ कार्बन ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर इस तरह से ये तीन एलिमेंट के मैंने ऑक्सी एसिड फर किए हैं. When alkali metal like M reacting with its ऑक्सी एसिड्स तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वन इट गिव्स M2CO3
प्लस एच टू गेट लिबरेटेड, ये देगा मेटल कार्बोनेट। क्या फॉर्म करेगा? मेटल कार्बोनेट। इट रिएक्टिंग विथ एच एन ओ थ्री इट गिव्स एम एन ओ थ्री प्लस एच टू, ये देगा मेटल नाइट्रेट। इट रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स एम टू एस ओ फोर प्लस एच टू। तो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस यू ऑफ टेन कार्बोनेट नाइट्रेट एंड सल्फेट विच आर फ्रॉम ऑक्सी एसिड्स व्हेन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद अल्कली मेटल। तो हमें देखना है इन ऑक्सी जो भी कार्बोनेट नाइट्रेट और सल्फेट मैंने लिए हैं यहाँ पर, इन सॉल्ट के नेचर किस टाइप से होने चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्बोनेट के बारे में। ओके, फर्स्ट वन आई विल डिस्कस अबाउट कार्बोनेट। नाउ इन केस ऑफ मेटल कार्बोनेट एम सी ओ थ्री, क्या रेफर किया यहां पर मैंने एम सी ओ थ्री। इन मेटल कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस अगर करनी है तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आई कैन राइट फर्स्ट वन, मेटल कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टूअर्ड्स हीट। क्या बोला है मैंने? इट इज हाईली स्टेबल towards heat. ये heat की तरफ highly stable है, hence stability increase down to the group. Down to the group metal carbonate की stability ultimately क्या हो जाएगी यहाँ पर? Increase. अगर ये increase हो रही है that means I can write Li CO3 NaCO3 पोटेशियम CO3 रुबिडियम CO3 एंड सीजियम CO3। यू कैन ऑब्जर्व इन दिस ट्रेन व्हाट्स हैपन, कार्बोनेट यहां पर लिथियम टू सीजियम स्टेबिलिटी इंक्रीज कंटिन्यूअसली, मतलब डाउन टू द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल गेट इंक्रीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने की वजह से यहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, यहां पर इंक्रीज होगी। तो आई कैन राइट इन दिस वे स्टेबिलिटी इंक्रीज। ओके, नाउ इन केस ऑफ सेकंड ट्रेंड, यहां पर मैंने स्टेबिलिटी का ट्रेंड बताया कि ये हीट towards heat is highly stable. It is easily soluble. It is easily soluble with water. ये water के साथ easily soluble है, मतलब water में dissolve करते ही ये क्या हो जाएगा वहां पर? Easily dissolve हो जाएगा, soluble हो जाएगा। अगर ये easily soluble है water के साथ, इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर hydration energy वाला concept हम लगा सकते हैं, वो previous lecture में हमने discuss कर लिया है। Now third one most important point, what metal carbonate In aqueous form is alkaline, क्या कहा जाएगा उसे? Alkaline और basic in nature. ये aqueous form में हमेशा basic ही होता है। अब ये aqueous form में basic क्यों होता है, इसके लिए एक छोटी सी reaction यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा। जैसे मैं metal carbonate अगर लेता हूँ M2CO3 suppose, okay? और ये डिसॉल्व कर देता हूं मैं वाटर में। ओके, यहां ले रहा हूं मैं H2O वाटर, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ओके, आप यहां पर देख सकते हो, व्हेन M2CO3 मेटल कार्बोनेट डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल इट गिव्स व्हाट ट्वाइस ऑफ MOH, ये क्या देगा वहां पर? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड देने के बाद यहां पर देख सकते हो आप, ये भी यहां पर दो ले लेता हूं मैं, अब यहां पर थ्री और दो, यहां पर दो ऑक्सीजन प्लस आई कैन राइट H2CO3। आप देख रहे हो रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंसिंग फॉर्म में, दो हाइड्रोजन और ये दो, टोटल फोर हाइड्रोजन, मेटल दो है यहां पर, ये मेटल दो है, कार्बन यहां पर एक है, कार्बन यहां पर एक। तो यहां पर जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ दैट हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रांग हाइड्रोक्साइड, और यहां पर जो एसिड फॉर्म हुआ ये हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, ये एसिड क्या होगा यहां पर? वीक एसिड। एसिड वीक है, ये स्ट्रांग यहां पर हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या होगा यहां पर? बेस।
तो बेस स्ट्रांग होने के रीजन से ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोनेट इन एक्वियस फॉर्म आर बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर। इट इज क्लियर दैट थर्ड पॉइंट। तो ये तीन पॉइंट्स इन कार्बोनेट के फॉर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूरी तरह से समझ में आने चाहिए। ओके, तो ये था कार्बोनेट के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। नाउ कार्बोनेट के अलावा मैं अगर यहीं पर ले लेता हूं सपोज बायकार्बोनेट, क्या रेफर कर रहा हूं मैं यहां पर बायकार्बोनेट, तो यहां पर आप बायकार्बोन के बारे में देख सकते हो, आई कैन राइट MHCO3, ओके, यहां M2CO3, यहां पर आप देख सक रहे हो MHCO3, MHCO3 मतलब ये होगा मेटल बायकार्बोनेट, ये था यहां पर कार्बोनेट, ये मेटल बायकार्बोनेट। तो मेटल बायकार्बोनेट आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वॉटर, ये मेटल बायकार्बोनेट वाटर में इजीली सोल्यूबल है, मतलब वाटर में डालते ही ये इजीली वहां पर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ मेटल बायकार्बोनेट, ऑल मेटल बायकार्बोनेट्स आर सॉलिड, सारे के सारे मेटल बायकार्बोनेट ये सॉलिड है, एक्सेप्ट ओनली सिंगल मेटल बायकार्बोनेट दैट इज LiHCO3, इट इज नॉट प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। ये प्रॉपर तरीके से यहां पर प्रॉपर्टी को याद रखना, सारे के सारे मेटल बायकार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अकेला लिथियम बायकार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन दिस वे दिस इज अबाउट बायकार्बोनेट। ओके, और अगर मैं इसी बायकार्बोनेट को इजिली हीट कर देता हूं, तो हीट करने की वजह से आप यहां पर देख सकते हो ये बायकार्बोनेट क्या देगा। ओके, बाय स्मॉल हीटिंग इट इज बायकार्बोनेट, जैसे कि आई कैन राइट MHCO3, MHCO3 अंडरगोज ऑन हीटिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स M2CO3, ये कार्बोनेट देख, कार्बोनेट देने के बाद दो हाइड्रोजन है, इट फॉर्म H2O एंड अलॉन्ग विथ इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बाय स्मॉल हीटिंग दिस बायकार्बोनेट गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इन विच कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सी एसिड्स। नाउ सेकंड वन नाइट्रेट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इन ऑक्सी सॉल्ट, अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट विच इज ऑब्टेन एज नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट आई कैन राइट MnO3, मेटल नाइट्रेट आई कैन राइट MnO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड टाइप में अगर देख रहा हूं मैं नाइट्रेट के बारे में, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्टिंग विद अल्कली मेटल एट दैट टाइम वी ऑब्टेन मेटल नाइट्रेट अलोंग विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहां पर हाइड्रोजन गैस इजीली क्या होता है, लिबरेट। देयरफॉर आई कैन राइट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, मेटल नाइट्रेट इज कलरलेस, ये किस तरह से होता है, कलरलेस होता है। मेटल नाइट्रेट इज आयोनिक इन नेचर, ये मेटल नाइट्रेट कलरलेस के साथ साथ आयोनिक भी होता है, एंड इट इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वॉटर, ये वॉटर में सोल्यूबल भी होता है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नाइट्रेट, दैट इज वॉट, सोल्यूबल इन वॉटर, आयोनिक इन नेचर एंड कलरलेस इन नेचर। अब आपने देखा होगा कि नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट बनता है तो कलर तो बिल्कुल नहीं होता, ये आयोनिक है क्योंकि यहां पर डिसोसिएट होकर ये M+NO3- में कन्वर्ट हो सकता है, और वाटर में डिसॉल्व करते ही ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट, मतलब ये आयोनिक फॉर्म में इजीली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रॉपर तरीके से आपको याद होनी चाहिए। व्हेन मेटल नाइट्रेट गेट डिकम्पोज, मेटल नाइट्रेट ऑन डीकंपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेटल नाइट्रेट ऑन डीकंपोजिशन गिव्स क्या देगा, ये देगा मेटल नाइट्राइट, क्या देगा मेटल नाइट्राइट, आप यहां पर देख सकते हो MnO3
ओके अगर ये डिकम्पोज हो रहा है, मैं यहां पर दो MnO3 ले रहा हूं, 2 MnO3 बाय टेकिंग यू ऑफ टेन फर्स्ट वन ट्वाइस ऑफ MnO2, तो यहां पर क्या मिला है, नाइट्रेट से कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, नाइट्रेट से यहां पर कन्वर्ट हुआ व्हाट नाइट्राइट में, प्लस ऑक्सीजन गैस गेट लिबरेटेड, क्या होगा ये लिबरेटेड, बट एक्सेप्ट दिस मेटल इज नथिंग बट कौन सा होना चाहिए मेटल, ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बट नॉट लिथियम, बिकॉज लिथियम do not give nitrite, lithium या nitrite नहीं देता है, तो ये क्या देगा फिर आप देख सकते हो, या ले रहा हूं Li NO3 दो ले रहा हूं, तो U of 10 first upon Li2O, ये oxide देगा lithium oxides, okay? Li2O form करने के बाद U of 10 यहां पर कितना बचा, यहां पर दो nitrogen बचे हैं, यहां पर दो oxygen, 3 to 6, एक यहां पर आ चुका है, therefore you can write twice of NO2 plus यहां पर ले रहा हूं half O2, मतलब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और यहां NO2 MnO2 means नाइट्राइट, ओके, और MnO3 means नाइट्रेट, ये क्या होगा नाइट्रेट। इस तरह से ये मेटल नाइट्रेट तीन प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। तो पहली प्रॉपर्टी यहां पर क्या समझे आप, कि वो कलरलेस होता है, सोल्युबल होता है और आयनिक होता है। मेटल नाइट्रेट जब भी डिकम्पोज होगा तो ये क्या देगा नाइट्रेट देगा, एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट ये मेटल नाइट्राइट नहीं देगा, ये लिथियम ऑक्साइड अलॉन्ग विथ व्हाट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विथ हाफ O2 ये फॉर्म करेगा। एंड द लास्ट वन इज थर्ड वन सी वॉट सल्फेट, ओके अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सल्फेट के बारे में, कि ये सल्फेट यहां पर क्या फॉर्म करेगा, ओके नाउ सी मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट M2SO4। Now you are well familiar, sulfuric acid when reacting with alkali metal, we obtain metal sulfate. So metal sulfate, number first, sulfates are readily soluble in water. सल्फेट क्या करेगा वाटर में, इजीली सोल्यूबल हो जाएगा। व्हेन मेटल सल्फेट डिसॉल्विंग इन वाटर इट इजीली सोल्यूबल इनटू द वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर में इजीली सोल्यूबल होगा एक्सेप्ट Li2SO4, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, ओके मतलब यहां पर आप देख रहे हो हर एक रिएक्शन में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि लिथियम का बिहेवियर एनामलस शो हो रहा है, मतलब हर जगह पर लिथियम ये एनामलस बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। जनरली आई कैन राइट इन सेकंड वन मेटल सल्फेट रिड्यूस बाय कार्बन, इट रिएक्टिंग विथ कार्बन, तो देखो ये क्या देगा यहां पर, आई कैन राइट M2SO4 प्लस कार्बन। अब M2SO4 प्लस कार्बन में ये देगा सल्फाइड M2S प्लस ये देगा 4CO, कार्बन यहां पर लेने पड़ेंगे 4। तो यहां पर यू कैन ऑब्जर्व सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है -2, और यहां पर सल्फर का ON नंबर कितना होना चाहिए, जैसे सल्फर 2-, तो X प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू -2, ओके S प्लस 4 × X + 4 × -2 इज इक्वल टू -2, X -8 -2, X इज इक्वल टू 8 -2, X इज इक्वल टू +6। तो यहां पर आपका सल्फर +6 है, यहां पर सल्फर -2 है, तो +6 से -2 ये क्या हुआ है रिड्यूस, मतलब मेटल सल्फेट गेट इजीली रिड्यूस बाय कार्बन, कार्बन से ये इजीली रिड्यूस होता है एंड कन्वर्टेड इनटू मेटल सल्फाइड। तो यहां लिखता हूं मैं सल्फेट, तो ये कन्वर्ट हुआ सल्फाइड में, ओके इट रिएक्टिंग विथ कार्बन एंड
इजीली रिड्यूस, ये इजीली क्या हो जाएगा वहां पर, रिड्यूस हो जाएगा। नाउ अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी के बारे में मुझे बात करनी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि मेटल सल्फेट इन जनरल फॉर्म डबल सॉल्ट। क्या करेगा ये, मेटल सल्फेट कैन फॉर्म डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट फॉर्म करता है व्हेन रिएक्टिंग विथ ट्राइवेलेंट मेटल। दोस ट्राइवेलेंट मेटल्स आर फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट Fe, आई कैन राइट एल्यूमिनियम, आई कैन राइट क्रोमियम। इस तरह से तो मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा K2SO4 Al2SO4 3 24 H2O। तो ये बनाएगा यहाँ पर पोटैश एलम। तो यू कैन ऑब्जर्व दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल सल्फेट, इट फॉर्म डबल सॉल्ट अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्टिंग विथ ट्राइवेलेंट मेटल। इसका मतलब मेटल सल्फेट यहाँ पर एक अलग अलग वैरायटी के रिएक्शंस एग्जिबिट करता है, प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। यहाँ पर ये केमिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। एक्चुअली दो प्रॉपर्टी यहाँ पर बाकी हैं लेकिन वो लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। एक्चुअली अल्कली मेटल इटसेल्फ फॉर्म एलॉय एंड अलॉन्ग विद अनदर मेटल ऑल्सो फॉर्म एलॉय। ये खुद के साथ भी एलॉय बनाता है तो दूसरे मेटल के साथ भी ये रिएक्ट होकर एलॉय बनाता है। जैसे कि अगर अल्कली मेटल किसी मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट हो तो ये अमलगम सॉल्यूशन बना देता है, अमलगम सॉल्यूशन ये प्रिपेयर कर देता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टी नंबर 3 नेचर ऑफ ऑक्सी सॉल्ट के बाद आई कैन राइट प्रॉपर्टी नंबर 4th। कौन सी प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। तो ये अल्कली मेटल खुद के मेटल के साथ भी एलॉय फॉर्म करते हैं और मर्क्यूरी के साथ ये अमलगम नाम का एलॉय फॉर्म करेगा, जैसे सोडियम अमलगम इस तरह से। एंड प्रॉपर्टी नंबर 5th दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो एक बात याद रखना, जिस अल्कली मेटल की साइज ये मिनिमम होती है, द अल्कली मेटल विच पजेस मिनिमम साइज having certain tendency to form alloy, to form complex. तो लिथियम की tendency size कम होने के reason से थोड़ा बहुत alloy form करने की है, लेकिन remaining metal वहाँ पर जो complex formation है वो form नहीं करते। alloy के बारे में clear हो चुका है और complex के बारे में भी size factor पर मैंने clear किया है, lithium की size कम होने के reason से वो complex formation की tendency थोड़ी सी दिखाएगा।